मुझे पता है आप लोग मेरी वीडियो को नहीं देखते पूरा, आते हैं और खोलते हैं और चले जाते हैं, और ये नहीं सोचते कि मैं आपके लिए आती हूँ, आपके फ़ायदे की चीज़ें बताती हूँ। कोई बात नहीं, मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम करे जाऊँगी, मैं फ़ायदा पहुँचाने की चीज़ें बातें आपके साथ शेयर करे जाऊँगी, जो भी मुझे लगेगा कि ये फ़ायदे की है, ठीक है। ऐसी ही फ़ायदे की पोस्ट है, आपकी मर्ज़ी है, आप देखें ना देखें, पढ़ें ना पढ़ें, आपकी मर्ज़ी है, पर मैं अपना काम करे जाऊँगी, मैं नहीं थकूँगी, समझ गए दोस्तों। ये पोस्ट आपके सामने है, आपका दिल करे तो पढ़ लें। मैं चाहती हूँ कि इससे अगर एक दो बंदा भी, अगर एक दो बंदे के दिमाग में भी ये आ जाती है, ये वाली पोस्ट मेरी, समझ लेते हैं एक दो बंदे भी, किसी को दो चार बंदों को अगर फ़ायदा पहुँच जाता है तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। मैं पढ़ के भी दिखा रही हूँ और आप भी खुद पढ़ लेना। लाखों की गाड़ी में कभी मिट्टी का तेल नहीं डालते, क्योंकि गाड़ी का इंजन ख़राब हो जाएगा। 5 लाख की गाड़ी की आपको इतनी चिंता है, हैं? कभी मुंह में शराब या गुटखा डालने से पहले सोचा है? सोचा कि किडनी लीवर ख़राब हो गया तो ये किस कदर के कीमती होते हैं, हैं? गाड़ी तो हम दोबारा भी ले लेंगे, है ना, मैं यानी कि पैसा पैसे की भरपाई हो जाती है और इंसान की, और इंसान, चलो इंसान की भी अगर वो हो गया ना एक बार तो कोई बात नहीं, मगर जो इंसान के अगर ऑर्गेन, इंसान के जो अंदर के पुर्जे उर्जे हैं वो एक बार ख़राब हो जाते हैं ना, एक भी पुर्जा ख़राब हो जाता है तो इंसान की ज़िंदगी दुर्भर हो जाती है, समझ गए। करोड़ों के इस अनमोल शरीर के इंजन की भी उतनी ही चिंता करो जितनी अपनी गाड़ी की करते हो। दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हैं, लेकिन परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हैं। आप अपना ख्याल रखें। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब जैसे रसायन से दूर रहिए। यह मैसेज हर इंसान को भेजिए, शायद किसी की ज़िंदगी बदल जाए। अभी आपकी मर्ज़ी है, वीडियो को लाइक करो मत करो, कोई बात नहीं, ठीक है। कुछ तो इस वाली पोस्ट है दोस्तों, किसी के तो दिल को छुएगी, कोई तो इंसान किसी को तो टच करेगा ये वाली पोस्ट, समझ गए। एक दो चीज़ ही अगर कभी कोल्ड ड्रिंक पीते हो, रोज़ मत पियो, कभी बाय चांस पी लो। जो रोज़ पीते हैं वो एक दो दिन छोड़ के पी लो, समझ गए, हफ्ते में पी लो, तो कुछ तो फ़र्क पड़ेगा इस पोस्ट से, जो 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 इसमें लिखा हुआ है, गहराइयों को, जो अंदर से गहराई और अपने सेहत के और शरीर के बारे में लोग सोचेंगे, समझ गए। ये पोस्ट ऐसी है दोस्तों कि इसे इंसान अपने सगों के साथ इसको शेयर करनी चाहिए, ऐसी पोस्ट जिनकी हमें फिक्र और चिंता रहती है। ये पोस्ट ऐसी है, इतनी पॉजिटिव पोस्ट है, समझ गए। इंसान की सारी बातें अगर समझ में आई तो एक दो बातें तो इसमें से ज़रूर इंसान सोचेगा, समझेगा। जो चीज़ भी आपको समझ ही गए, इसमें मैं दोबारा क्या बता दूँ, वीडियो लंबी हो जाती है, आप देखते नहीं है, छोड़ के भाग जाते हो। बहुत से लोग नू कहते हैं कि बीड़ी नहीं छूट पाती है, और जब ये अंदर का जो ये का हार्ट का जो पाइप होता है वो जब भरने लगता है, आप यकीन करो ना करो, मेरे घर का, मेरे आजमाया हुआ है, जिस पे नेक्स्ट वीडियो मैं बताऊंगी मेरे हस्बैंड को किस चीज़ से, बीड़ी और सिगरेट पीने से, ये जो इसमें हार्ट का जो वो होते हैं पाइप होते हैं, वो तीनों के तीनों 80% तीनों के तीनों ब्लॉक हो गए, समझ गए। और उन कैसे वो सही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, सारा क्या आधा तो बता ही दूँगी, ठीक है। तो सिगरेट से, समझ गए। और बहुत मैं ऐसी देखती हूँ, ये सफाई वाली होती है, बहुत ऐसी लेडी होती हैं जो बीड़ी पीती हैं, और उनसे मैंने एक दो लेडी से पूछा कि तुम इसे छोड़ क्यों नहीं पाती हो, तो कहती है कि पेट में गैस बन जाती है अगर हम बीड़ी छोड़ते हैं। एक तो बल्कि एक आंटी तो ऐसे कह रही थी कि मैंने एक बार बीड़ी छोड़ी बीवी जी, तो मैं तो हॉस्पिटल पहुँच गई, यानी कि मैं इतनी बीमार हो गई। अरे चलो, वो तो इतना नहीं जानती बेचारी, या थोड़ा बहुत कम पढ़ी लिखी है, जो भी है इतना नहीं जानती। मैं इसमें पढ़ी और ना पढ़ी लिखे, कई बार तो ऐसा होता दोस्तों कि कम पढ़े लिखे हुए भी बहुत कुछ जानते, माहौल का फ़र्क पड़ता है, जैसे माहौल में रहता है इंसान। और जो बहुत ऐसे भी होते हैं कि बहुत कुछ पढ़े लिखे होते हैं और वो बहुत बातों को से अनजान होते हैं, नहीं पता होता, नहीं जानते, है ना। वैसे तो फ़र्क तो होता ही है, अगर पढ़े लिखे अनपढ़ में, मैं मीडियम मतलब कि मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उनको चलो कम पता है, मगर जो जानती हैं वो भी बीड़ी पीती हैं, समझ गए, और वो छोड़ नहीं पाते। अगर आप बीड़ी छुड़ाना चाहते हो
तो अपने दिल को पक्का करना पड़ता है, अपने दिल को पक्का करो। और जिस जो प्रॉब्लम हो रही है बीड़ी छोड़ने से, जैसे कि गैस बनती है कहते हैं, ज़्यादातर यही कहते हैं सब के गैस बनती है, तो गैस को, गैस की तुम चूरन खाओ, बतेरी ऐसी दवाई है। मैंने कितनी सारी वीडियो अपने चैनल पर डाल ली है गैस के लिए, बहुत बहुत सारी ऑर्गेनिक नेचुरल, ये भी नहीं कोई दवाई, ऐसी चीज़ें होम रेमेडी, ऐसी गैस के लिए खाओ। ज़्यादातर दोस्तों गैस की वजह से ही जो बहुत लोग ऐसे हैं बीड़ी पीते हैं, गैस की वजह से कि गैस बनती है पेट में, जो अगर वो बीड़ी पीना छोड़ देंगे तो उनका पेट बहुत ज़्यादा गैस बनेगी। तो बाकी बात मैं दूसरी वीडियो में करूँगी, लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। ये पोस्ट आप सभी को कैसी लगी, वीडियो को ज़रूर हो सके तो लाइक कर देना। मैं क्या बोलूँ, बस आप सभी जानते हो क्या क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है। मिलती